बढ़िया था भाई ना, मजा आ गया भाई। सही में मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेशंस था इससे, क्योंकि 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि जिसमें क्या कि सोराय रे पोटरू को ये लोग थिएटर में लगा रहे, ओ माई गॉड 2 को ये लोग OTT में डाल रहा है। दिस इज द वर्स्ट वर्स्ट एंड वर्स्ट डिसीजन एवर। लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं, बट ओ माई गॉड 2 थिएटर में लग रही है। एंड ये ट्रेलर से एंड ये फिल्म से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे। एंड पूरा का पूरा ट्रेलर, मतलब शुरू से इवन एक स्टार्टिंग के जो एक विजुअल वाली सीन है जहाँ पर वो गॉड को दिखाया जा रहा था, पूरे के पूरे मतलब वो एक विजुअल ट्रीटी था वो पूरा का पूरा, वो भाई वो भी ज़बरदस्त था। पूरा का पूरा ट्रेलर में एक चीज एक जगह भी ऐसे नहीं लगी कि भाई एक क्रिंज लग रहा है। सब कुछ सबका सब स्टार्टिंग से लेकर पूरे एंडिंग तक ऐसा लग रहा है कि भाई कंसेप्ट नया है, इसमें कॉमेडी है, फन है भाई, चीजें सीखने को मिल रही है, कुछ नया दिखाने की कोशिश की गई है। एंड अक्षय कुमार भी भाई सही लग रहा है, वो बंदा सही लग रहा है। ऐसा नहीं कि वो भाई हर मूवीज में एक ही टाइप के वो चीज़ों को रिपीट होना, वो रिपीटेड वैल्यू उसमें लगी नहीं रही है। तो ओवरऑल ट्रेलर मतलब बहुत सही लगी भाई, बहुत सही। मतलब मैं तो रिपीट वैल्यू में दूसरी बार या तीसरी बार देखने वालों। तो जो लोग कह रहे थे कि भाई खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो मुझे मैंने उस टाइम पे भी बोला भाई जो बंदा टैलेंटेड है वो बंदे का कभी कुछ खत्म नहीं हो सकता। बस उसको क्या है कि थोड़ा सा ट्रैक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस अपने खुद से गाइडेंस लगाने की ज़रूरत होती है, गाइड के हिसाब से मतलब एक वे में चलने की ज़रूरत होती है। तो मेरे को लग रहा है भाई ये फिल्म भाई कमा लेगी भाई, मैं दिल बोल रहा है भाई ये फिल्म मतलब एटलीस्ट हिट तो होगी, फ्लॉप का तो चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। पब्लिक थिएटर में भर भर के जाएगी, सिंगल स्क्रीन के लिए भी अच्छी है, बट प्रॉपर प्रॉपर इसको मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले फिल्म्स, मल्टीप्लेक्स पे जो फैमिली ऑडियंस आती है, फैमिली वो ठीक है, वो बोलेगा सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, बट स्टिल वो बधाई हो, मूवी को भी 100 करोड़ करा दिया था, 150 करोड़ करा दिया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फैमिली ऑडियंस, फैमिली अभी बहुत एडवांस हो गई है, फैमिली अभी कुछ भी देख रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई ये फिल्म चलेगी चलेगी। ट्रेलर एकदम एकदम बढ़िया ट्रेलर है, बहुत बढ़िया ट्रेलर है। पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर वो सब कुछ मतलब एक एक डायलॉग एक एक कॉमिक टाइमिंग में वो खड़े हो गए बोला, वो सारा डायलॉग मतलब सही लगा भाई, बहुत सही लगा ट्रेलर मेरे को तो, मतलब अच्छा ही लगा। मेरे को एक्सपेक्टेशंस था एंड वो एक्सपेक्टेशंस में ये ट्रेलर उतरी है। और मेरे को श्योर शॉट पता है कि 11 अगस्त को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और वो ये फिल्म ही होगी। दिल से मेरे को पता है यही फिल्म ही होगी, वो तो शुरू से ही पता था, क्योंकि रिपीटेड वैल्यू में ऐसे अगर चीज़ें देखने का दिल होता है लाइक ट्रेलर हो टीज़र हो तो वो सही लगता है। तो मेरे हिसाब से ट्रेलर इज सुपर डुपर हिट और फिल्म मेरे को लगता है भाई ये कमबैक फिल्म होगा अक्षय कुमार का भाई, मतलब ये फिल्म कर देगी भाई, इतना तो कर ही देगी कि वो फ्लॉप टैक्स से तो हट ही जाएगी और एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर की तरफ भी जा सकती है अगर पब्लिक से कनेक्ट कर जाती है तो। क्योंकि मेरे को पता है, जहां तक मैं अपना ओपिनियन बताता हूं, मेरे को मालूम है फिल्म मेरे को तो जबरदस्त ही लगने वाली है। एंड पब्लिक से कनेक्ट होना मतलब वो चीज़ को टच ही करना, वो जो टॉपिक उन लोगों ने लिया है वो चीज़ के साथ टच कर देना है पब्लिक। और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस एक बार किसी को पसंद कर लेते तो वो तो फिर ख़त्म हो जाता है। तो ट्रेलर ज़बरदस्त है और आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे को तो बहुत सही लगा, बहुत सही लगा, मतलब मजा आ गया। विजुअल स्टार्टिंग के सीन में मेरे को ऐसा लगा भाई ये क्या आदि पुरुष में 600 करोड़ रुपया लगाए थे, इतना बजट में 1-2 सेकंड का सीन पूरा आदि पुरुष को पेल दे। तो वही है, चीज़ें ऐसी होती है। तो वीडियो से लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, और एक रिएक्शन वीडियो भी आ रहा है, तब तक के लिए।